उत्तराखंड के कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार ने जनपद चमोली में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ आम जन तक पहुंचाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। वहीं सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सीमांत जनपद चमोली में पर्यटन और उद्यानीकरण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। भ्रमण पे आया हूँ और जिला मुख्यालय में बैठक लेने से पहले मैंने तीन ब्लॉक जो जिला चमोली के इस समय हैं, कर्णप्रयाग ब्लॉक, नारायण बगड़ ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक कौन सा था जो मैंने बताया था, दसोली ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉक में प्रैक्टिकली निरीक्षण करने के बाद मैं मुख्यालय में आया और वहाँ जनता से जो संवाद मैंने किया है, मैं चोपता गांव में रात्रि विश्राम किया है, सोल्टा गांव में लोगों से जन संवाद किया है और यहाँ पे अभी मैं आज वन विकास मेले में भी शामिल हुआ था, तो वहाँ भी जनता और जनता के प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिला। तो उसमें जो लोग वहाँ पे समस्याएं बताते हैं उन सब का संकलन करके यहाँ पे आज अधिकारियों को यथा दिशा निर्देश दिए गए और भ्रमण करने का हमारा अभियान ये काफ़ी समय से चल रहा है। और मैं ही भ्रमण नहीं कर रहा हूँ, जिले के जिलाधिकारी स्तर से जो जिला स्तर के अधिकारी हैं इवन ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं और भ्रमण करने के उपरांत वहाँ जो समस्याएँ हैं उनका संकलन करके यथा उनका समाधान किया जाता है और जिला स्तर से जो समाधान नहीं होता उसको शासन स्तर पर समाधान।